एआईएमआईएम अध्यक्ष एवं हैदराबाद सांसद बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रामनवमी यात्रा के दौरान हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता द्वारा कथित तौर पर हैदराबाद की मस्जिद पर तीर चलाने के नाटक करने वाले वीडियो पर कहा, हैदराबाद के लोगों ने बीजेपी के इरादों को देखा है। वे बीजेपी आरएसएस के अश्लील और भड़काऊ कार्रवाइयों को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या बीजेपी इसी विकसित भारत की बात कर रही है? मुझे विश्वास है कि तेलंगाना के लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। दरअसल मुसलमानों के खिलाफ हमेशा आग उगलते रहने वाली उमा भारती, साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्राची और साध्वी निरंजना ज्योति की राजनीति अब खत्म होने वाली है, तो बीजेपी इन सब का विकल्प खोज रही है और माधवी लता उन विकल्पों में से एक है। इसलिए बीजेपी ने सारे मीडिया चैनल्स को इसके पीछे लगा दिया है। हैदराबाद के लोगों के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि वो माधवी लता को हराए, वरना आने वाले दिनों में हैदराबाद और तेलंगाना की अमन और सलामती के लिए माधवी लता खतरा हो सकती है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर कमेंट में जरूर बताना और देखते रहना मुस्लिम सियासत। इसी के साथ केबीएन हेडलाइंस इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज़।